भाई साहब, ये सब हिसाब आपको बताएंगे। अगर कोई शर्म करेगा और नहीं पूछेगा एसओ से या सीनियर आदमी से नहीं पूछेगा तो मामला गड़बड़ है। मामला क्यों गड़बड़ है? वहाँ जाके भूत के माफी खड़ा है या बैठा है, कोई अधिकारी आ गया, उसने पूछ लिया, भाई आपकी ड्यूटी क्या है यहाँ पर? सर मेरे को यहाँ पर देखना है, साहब ने बोला है एसओ साहब ने कि यहाँ पर मुझे खड़े रहना है और देखना है। अरे देखना क्या है आपको? फालतू एसओ साहब का भी नाम बदनाम कर रहे हैं आप। एसओ साहब ने आपको ये नहीं बोला कि वहाँ खड़े होके देखना है, वहाँ पे क्या क्या करना है वो सब बताया है आपको। आप सीनियर आदमी, जैसे आप लोगों में कोई गार्ड जो है सीनियर है, जिसको ड्यूटी के बारे में जानकारी है, उससे पूछ लो। देखो मैंने चोरी किया, मुझे एसओ ने पकड़ लिया, तो मैं एसओ से माफ़ी मांगू, उससे गिड़गिड़ाऊ के सर मुझे माफ़ कर दो, आज के बाद नहीं करूँगा। अगर मैं उनसे माफ़ी नहीं मांगू और उनको रिस्पेक्ट नहीं करूँ तो वो क्या करेंगे? पब्लिक के अंदर मुझे डिक्लेयर कर देंगे कि ये चोरी किया। सही है कि गलत? सही है। तो सबको पता लग जाएगा कि मैं चोर हूँ, है ना? इससे अच्छा तो मैं एसओ के पास झुक जाऊँ ना, दोबारा गलती नहीं होगी, माफी मांग लूँ ना। सही के गलत? सही था। एक आदमी के आगे झुकने से चल जाएगा, लेकिन सब आदमी के सामने झुकने से क्या फायदा? तो हमारी ड्यूटी जहाँ पर भी लगती है तो हमारा कर्तव्य बनता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप पूछ के जाओ कि सर मुझे वहाँ क्या काम करना है, वहाँ मेरा ड्यूटी क्या है, सर मुझे बता दो। सर एसओ को नहीं पता है तो फील्ड ऑफिसर से बात करो, फील्ड ऑफिसर को नहीं पता है तो सुपरवाइजर, इसमें सुपरवाइजर से बात करो, सुपरवाइजर को नहीं पता है तो कोई गार्ड है जो पुराना, जैसे हमारे सरदार जी है ना, वो पीछे खड़े हैं, वो पुराने हैं फोर्स में, उनसे पूछ लो। या आप में से कोई आदमी ऐसा है जिसको भगवान ने बहुत दिमाग दिया है, उससे पूछ लो। लेकिन टेढ़ा बन के टेढ़े भी खड़ा है, मैं खड़ा हूँ वहाँ पर ड्यूटी 12 घंटे खड़ा है, धूप में खड़ा है, लेकिन मुझे ड्यूटी के बारे में नहीं पता। साहब आया, साहब ने पूछा, अरे आप यहाँ पे क्यों खड़े हो? सर मेरा ड्यूटी है ना यहाँ पर, इसलिए खड़ा हूँ मैं। अरे क्या ड्यूटी है आपका? कुछ भी सर, आने जाने वाले वक्त आदमी को देखता है बस। अरे ये कोई ड्यूटी है? बोलो ड्यूटी है? किसी ने आके पूछ लिया, कोई साहब ने या कोई अधिकारी या पुलिस की गाड़ी आके खड़े हो गई, आपको पूछ लिया, बताओ आपका ड्यूटी क्या है यहाँ पर? तो सबसे पहले जय हिंद सर। श्रीमान जी, मेरा ड्यूटी इस प्रकार है, मेन गेट के अंदर कोई भी अधिकारी या कर्मचारी जो भी आता है मैं उसका आई कार्ड चेक करता हूँ। कॉन्ट्रेक्टर और ठेकेदार का जो भी आदमी आता है मैं उसका अनुमति और परमिशन लेटर चेक करता हूँ। श्रीमान जी, कोई भी सामान, कोई भी मटेरियल, कोई भी पॉकेट में चोरी करके ना ले जाए, मैं काफी करता हूँ। कोई भी वाहन, कोई भी गाड़ी जाती हो मैं उसका चेकिंग करता हूँ। श्रीमान जी, गेट हमेशा बंद रखता हूँ मैं, गेट के अंदर में परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। श्रीमान जी, मैं गेट छोड़ के कहीं नहीं जाता हूँ, बोलना है ना? क्या हुआ सर? आने जाने वाले को देखता हूँ गेट में, ये बोलना तरीका है? आप उसको तरीके से बताओ, है ना? क्या है सर? मैं जो जो बताता हूँ साहब आपको, है ना, 15 दिन में एक बार ट्रेनिंग कहूँगा मैं सर, आप इनको ब्रीफ करते रहना सर। सबसे पहले मेन गेट की ड्यूटी क्या है, मटेरियल गेट की ड्यूटी क्या है, पेट्रोलिंग क्या है ना सर? पेट्रोलिंग क्या है कौन बताएगा? गश्त किसको बोलते हैं बोलो? पेट्रोलिंग का मतलब क्या, बोलो साहब सावधान, पेट्रोलिंग क्या है? पेट्रोल अपने एरिया का पूरा सर्च करके, सर्च जाने ऑपरेशन बेत, वहाँ पे क्या क्या हलचल हुई है, क्या क्या एक्टिविटीज हुई है, बहुत बढ़िया, पूरी जानकारी लेके अपने सीनियर्स को बताना। वेरी गुड। तीसरा, साहब ने जो बताया है वो तकरीबन बहुत बढ़िया है। पेट्रोलिंग का मतलब होता है गश्त करना, अपने एरिया में राउंड मारना, जहाँ पर कोई लाइट बंद हो या फेंसिंग टूटी हो या दीवार टूटी हो, यहाँ या कोई सामान बाहर से अंदर फेंक रहा हो, तो हमारा कर्तव्य क्या बनता है? गतिविधि जो होती है उसको चेक करना है, उसको रोकना है। ये गलत?
बॉडी गार्ड और नेट विश्राम हेलमेट दे दे भैया। आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोगों का काम देख के मेरा दिल बहुत खुश है। मैं इतना खुश हूँ कि जो